लंबे समय से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे शिक्षक, खासकर पारा टीचर, अब सरकार के फैसले का स्वागत करेंगे। और ये सब कुछ हो सका है झारखंड सरकार के मंत्री यानी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एक सकारात्मक पहल की वजह से। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, जिस तरह से एक बड़ी सौगात कह सकते हैं या फिर आंदोलन जो चल रहा था पारा शिक्षकों का, इनके लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है सर कि नियमावली की घोषणा की जा रही है, क्या कुछ है सर इसमें? इसमें सरकार का दो साल पूरा होने में जी। पारा टीचर का जो नियमावली बनना था आज तक बना नहीं जी। हम लोग उस दिन घोषणा करेंगे 29 दिसंबर को जी। तो काफ़ी लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ थे, अब ये सरकार के फैसले का यानी कि आपकी एक अच्छी पहल रही, ये पारा शिक्षक अब काफ़ी खुश दिख रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं सर इसे, खासकर झारखंड स्थापना दिवस? स्थापना दिवस में नहीं हो रहा है जी, स्थापना दिवस भी सामने है और इस मौके पर इन छात्रों को, इन शिक्षकों को इस तरह का अवसर मिलना है ना, ये तो हम लोग का पहले से जी मनसा साफ था जी सर कि जो पारा टीचर का मांग है जी, इसको हम लोग पूर्ति करेंगे जी। अभी सर जैसे कि पारा शिक्षकों की तो ये डिमांड थी, इस पर एक सरकार ने बढ़िया पहल की है, लेकिन कई जेटेट के अभ्यर्थी भी है, जेपीएससी के भी है, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उन छात्रों के लिए भी कुछ बेहतर हो सकेगा? देखिए ऐसा है ना, जब तक नियुक्ति का फाइनल नहीं होता है जी। हम जेटेट का 1 लाख अभ्यर्थी है जी। हमारा उतना वैकेंट पोस्ट नहीं है जी। तो पोस्ट के अनुसार ही लिया जाएगा ना जी। तो उसको भी हम लोग शिक्षक नियुक्ति निकाल रहे हैं, भरे लोग। सर, अब झारखंड का स्थापना दिवस भी आ रहा है, 1 से 2 दिन में हम लोग कल परसों हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, ऐसे में जो जेपीएससी के छात्र हैं वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग भी और बोल रहे हैं कि 15 नवंबर को यानी स्थापना दिवस को हम एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उसको वो स्वतंत्र है जी बड़ा आंदोलन करने के लिए जी, लेकिन उनका जो जेपीएससी का मामला हमारे यहाँ पेंडिंग है क्या? जेपीएससी का मामला हम तो नहीं जवाब दे पाएंगे, वो है जेपीएससी के पास जी। वो ऑटोमोटिव बॉडी है, उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? वो जब तक उधर से नहीं आएगा हम क्या कर सकते हैं? तो झारखंड के युवाओं ने राज्य के गठन से लेकर अब तक आंदोलन करने का काम किया, सड़क पर उतर विरोध करने का काम किया, जिस तरह से पारा शिक्षकों ने भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, लेकिन युवाओं के संघर्ष, युवाओं के आंदोलन के बाद पारा शिक्षकों के लिए एक बेहतर अवसर, एक बेहतर सौगात मिल रहा है कि सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की गई है और ये सारा पहल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से की गई है। बावजूद अब भी कई छात्र ऐसे हैं जिनके मन में कई सवाल, कई उम्मीदें हैं कि हमारे लिए भी कुछ बेहतर हो सकेगा, लेकिन पारा शिक्षकों के लिए ये बेहतर पहल सरकार की ओर से एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।